टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x+3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² - 7x+3 इक्वल टू 0। नाउ हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, दिस इज व्हाट से, दिस इज से ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू 3। स्टार्ट किया उसके पहले पता तो सब नॉर्मल चल रहा है ना, सब ओके है ना? हाँ हाँ ओके ओके हाँ चलो, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू 3। हाँ ठीक है ना, तो आपको ये पता था कि जब ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अदर देन 1, व्हाट वी डू, 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6, एंड 6 के पॉसिबल फैक्टर इज 2 × 3 6, इट इज +6, मीन्स देर आर टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, इफ प्लस एनी प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज प्लस देन देर आर टू पॉसिबिलिटी, दोनों के दोनों फैक्टर, बोथ फैक्टर्स मे बी प्लस, बोथ फैक्टर मे बी माइनस, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज -1 -6, अनदर इज 1 × 6, 2 × 3 एंड -2 एंड -3, आउट ऑफ विच दिस इज सुटेड, यहाँ पे सूट होता है क्योंकि ये हो गया -x हो गया और -6 हो गया, 6x हो गया, तो दिस -7x कैन बी स्प्लिटेड एज -x - 6x एंड +3 = 0 एंड दिस इज 2x2। इट इज 2x2 -x - 6 + 3 = 0, सो दिस आर दिस इज व्हाट इज वी हैव स्प्लिटेड मिडिल टर्म, देन व्हाट हैपन इट बिकम आउट ऑफ दिस टू वी हैव टेकन 2x कॉमन, देन इट इज x - 1, out of it this -3 common, this is not 2x, we have taken x common, then it is 2x - 1, -3 common, then it is 2x - 1 = 0, it means that 2x - 1 common again, then x - 3 = 0, this 2x - 1 = 0 or x - 3 = 0, 2x - 1 = 0 means 2x = 1 and x = 1/2 and x = 3. So these are the called roots. These are called roots. Let us say the alpha and beta. Let us say this alpha and beta. Now I am doing some formulation work that is regarding this quadratic formula. Quadratic formula ka standard form hai. Quadratic formula ka quadratic equation ka standard form hai. ax² + bx + c = 0. A jante ho yahan pe 2 hai. B hai -7 and C hai 3. यहाँ पूरे इक्वेशन को इसका माइक ऑफ है, हेलो, हाँ हाँ ओके ओके हो गया अभी क्लियर। नाउ ax² + bx + c = 0, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय ए, इसको पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड करेंगे, तो दिस इक्वेशन बिकम x² + b/ax + c/a = 0. Now this b by a, this is c by a, this is minus b by a. If we compare this, इसके साथ compare करेंगे इसके साथ, this equation के साथ, तो ये ऐसा ही है, ये 2x² है, -7x है, +3 = 0 है, इसको 2 से डिवाइड करें तो x² - 7/2x + 3/2 = 0। तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो ये b/a की जगह आ जाएगा -7/2 एंड c/a की जगह आ जाएगा 3/2। सबसे पहले बोलिए समझ में आया क्या, वी हैव गॉट दिस इक्वेशन 2x² - 7x + 3 = 0, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो x² - 7/2x + 3/2, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो b/a की जगह -7/2 आया एंड c/a की जगह 3/2 आ गया, क्यों c/a की जगह 3/2 आ गया, सो दिस इज c/a एंड दिस इज b/a एंड दिस इज व्हाट से c/a। अब हम यदि ये दोनों रूट्स का एडिशन करेंगे, दीज आर द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये हमने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड कर दिए, तो हमें ये मिलेगा कि ये दोनों का एडिशन कर दे, अल्फा एंड बीटा, मीन दिस वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस वैल्यू ऑफ एक्स, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 1/2 + 3, 1/2 + 3 मीन 3/1, 2 LCM इट इज 2, देन नो प्रॉब्लम, 1
It is 1. 1 means it, we have to make it 2. 2, 3 is 6. 6 means it is 7 by 2. 7 by 2. And that is 7 by 2. This is यहाँ पे 7 by 2 है. इसका मतलब है कि b by a equal to इसका negative है ये. b by a क्या है? माइनस अल्फा प्लस बीटा का निगेटिव है और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए है. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए है. देखो ये कितना है 7/2 है और ये कितना है माइनस 7/2 है. इसका मतलब क्या है? ये इसका निगेटिव है. अल्फा प्लस बीटा कितना आता है? अल्फा प्लस बीटा कितना आता है? माइनस बी बाय ए माइनस 7/2. अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा हाफ इंटू थ्री दैट इज इक्वल टू 3/2 दैट इज इक्वल टू सी बाय ए दैट इज सी बाय ए. सो दिस इज रिलेशन बिटवीन रूट्स, दिस इज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट. ये कोएफिशिएंट है, ए बी सी कोएफिशिएंट है. तो रूट्स और कोएफिशिएंट में रिलेशन क्या है? रूट्स और कोएफिशिएंट में रिलेशन क्या है? सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लाइक दिस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. देन व्हाट वी डू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू जीरो. देन व्हाट वी फाइंड, दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस बी बाय ए एंड दिस बी बाय ए दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड सी बाय ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू जीरो. It means that this quadratic equation, in this quadratic equation, alpha plus beta equal to minus b by a and alpha into beta equal to c by a. Again, I am writing here, what I meant writing here, relation between coefficient and roots. Relation between coefficient and roots kya hai? Alpha plus beta equal to minus b by a. Alpha plus beta equal to minus b by a and alpha into beta that is equal to c by a. That is relation between roots and coefficient. Relation between roots and coefficient in which in quadratic equations. Clear hua? This is relation between roots and coefficient in quadratic equations. Clear? Relation between roots and coefficient in quadratic equation. Chalo. This is quadratic equation in standard form. Ax square plus bx plus c equal to 0. Now what I do? I divide this equation by a. Then it is x square plus b by ax plus c by a equal to 0. This is coefficient of x square, coefficient of x and this constant. In this case, a not equal to 0 because to have quadratic equation, coefficient x square should not be equal to 0. Yahan pe bhi condition kya hai? A must not be equal to 0. Now, what is relation between coefficient and roots? Let alpha and beta are the roots. Roots means these are the value of x. These are the value of x. Then this quadratic equation can be written as x square minus alpha plus beta into x. Plus alpha into beta that is equal to 0. And this is the relation between alpha and beta and a and b. Alpha and beta equal to minus b by a and alpha into beta equal to c by a. This is the relation between roots. Kathin hai. How to derive quadratic formula by using? How to derive quadratic formula by using the कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. किसी को समझ में आया क्या रहे? किसी कितने लोगों को? बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा. फिर से समझा दूं. हेलो दिमाग के ऊपर से क्या कह रहे? सब बताइए जल्दी जल्दी. हाँ फिर से समझा दो. चलो देखो. हाँ फिर से समझा देता हूँ मैं. तो फिर से समझा दोगे तो सो तो नहीं जाओगे ना रे? हाँ मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करने का सिखाता हूँ. देखिए आपके पास फार्मूला नहीं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर
हम क्या करेंगे, ये जो है आपके पास है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाय टू ए एक्स प्लस सी बाय ए है। मैं ये दोनों टर्म को ही कंसिडर करूँ, हाँ, एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाय ए, बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू जीरो। मैं ये दोनों टर्म को कंसिडर करूँ और एक फॉर्मूला, मैं एक परफेक्ट स्क्वेयर बना दूँ, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है समझो, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री, थ्री एक्स है, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स है। मैं इससे ही एक परफेक्ट स्क्वेयर की टर्म बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वेयर थ्री को मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वेयर मतलब ए हो गया, ए हो गया एक्स, हाँ, ए इक्वल टू एक्स, ए माइनस थ्री एक्स मतलब ए इक्वल टू एक्स हो गया। तो आपके पास आता है ए स्क्वेयर माइनस टू, टू ए, ए तो एक्स है और बी तो थ्री है, तो ये थ्री की जगह थ्री बाय टू लिखता हूँ क्योंकि टू से मल्टीप्लाई किया। वैसे ही ये है एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर है और ये जो है टू टाइम्स करता हूँ मैं, ए स्क्वेयर प्लस टू ई, टू ए तो ये हो गया और बी है, ये बी, बी जो है इसको लिखता हूँ बी बाय टू ए, मीन्स दिस इज ए एंड दिस इज व्हाट से बी, ए स्क्वेयर टू ए, टू ए बी, टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर मीन्स, बी स्क्वेयर मीन्स बी बाय टू ए का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर टू ए एंड दिस होल टर्म इज बी, ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये बीच वाली टर्म ही आ गई, ये वाली टर्म प्लस। लेकिन ये करते समय क्या हो गया, ये करते समय ये एडिशनल आ गई टर्म, तो इसमें से क्या कर दूंगा, ये सी बाय ए लिखूंगा और इसमें बी बाय टू ए का होल स्क्वेयर माइनस करूंगा इक्वल टू जीरो। अब देखो पूरी टर्म वही हो गई, ये हो गए एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स, ये हो गई, ये एडिशनल आ गई थी एक इधर कैंसिल कर दी और सी बाई हो गई। इसको ही आप आगे बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट से एक्स माइनस बी बाय टू ए का होल स्क्वेयर हो गया, ये तीनों टर्म मिला के, और ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वेयर बाय फोर ए स्क्वेयर माइनस सी बाय ए, माइनस सी बाय ए, ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया जाए फोर स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, और फिर इसका स्क्वेयर रूट लेंगे। इफ यू टेक स्क्वेयर रूट ऑफ दिस, आप जानते हो कि किसी भी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लोगे तो एक प्लस आ जाएगा एक माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स माइनस नॉट, इट इज एक्स प्लस, एक्स प्लस बी बाय टू ए, एक्स प्लस बी बाय टू ए एक्स, एक्स प्लस बी बाय टू ए इक्वल टू एंड एक्स प्लस बी बाय टू ए इक्वल टू, एक बार इधर में इसका प्लस आ जाएगा, एक बार स्क्वेयर रूट में आ जाएगा ना, रूट ऑफ बी माइनस फोर ए सी बाय टू ए, फोर ए का स्क्वेयर, और एक बार ये आ जाएगा माइनस बी, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बाय टू, और इधर ट्रांसपोज कर जाओगे तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा, दैट इज व्हाट से, देयर फॉर एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी बाय टू ए प्लस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। ये दोनों में टू ए, टू ए सेम है, तो क्या करेंगे, इट इज माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाय टू ए, और इधर हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, एंड दिस इज व्हाट्स ए क्वाड्रेटिक फार्मूला, दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। मुझे लगता है आपका इंजन गर्म हो गया होगा क्वाड्रेटिक फार्मूले से। 7 × 10 हो जाएगा, −2 × −5 हो जाएगा, −2 × −5 एंड −2 एंड 5, तो ये −2 एंड 5 में बैठता है ये प्रॉब्लम, मीन फिजिक्स के फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस फाइव, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस फाइव, आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं इक्वल टू जीरो। ये देखो ये टू एंड फाइव है, एक्स माइनस टू और एक्स एक्स प्लस टू एंड एक्स, एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस फाइव, क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस फाइव एंड एक्स माइनस टू, दीज आर द फैक्टर्स। इसमें बताइए, ये तो डायरेक्ट है, ये थ्री है मीन्स 1 × 3 है, मीन्स इट इज एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री,
ये दूसरा इसका फैक्टर हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ये माइनस फाइव है, ये माइनस फाइव है, देख लीजिए माइनस फाइव, माइनस फाइव फ्रैक्शन में तो नहीं आ रहा, स्प्लिटिंग से मिडिल टर्म से तो आना, आप आने रे का देख लीजिए, नहीं तो दूसरे मेथड से देखेंगे। माइनस फाइव है, ये देख लीजिए थोड़ा सा, उससे नहीं आ रहा होगा तो रहने दीजिए। ये तो हो जाएगा माइनस फोर एंड टू, माइनस फोर और टू, तो इसके फैक्टर आ जाएगा एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। फोर थ्री जा ट्वेल्व।